Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिस्ट न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा में 6 दंगाइयों की मौत हो गई है, जबकि हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू दूसरे दिन भी लागू रहा। लेकिन अब शनिवार की सुबह 10 बजे के बाद हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने या आर्थिक मदद करने वालों के खिलाफ भारत सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जमात ए इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हल्द्वानी हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान मान की हुई क्षति अति चिंतनीय है। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले में अभी तक 19 नामजद आरोपियों सहित 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल 3 FIR दर्ज की गई है। 50 से ज्यादा संबंधित आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने नेवादा में शानदार जीत हासिल की है। यह उनकी लगातार तीसरी जीत है। बता दें कि नेवादा कॉकस में उनकी प्रतिद्वंदी निकी हेली ने हिस्सा नहीं लिया था। आज बजट का सत्र आखिरी दिन है। सरकार संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों के व्हिप भी जारी किए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा 10 मार्च को पूरी हो सकती है। पहले अनुमान था कि 20 मार्च को यह यात्रा पूरी होगी, लेकिन राहुल 70 के बजाय 100 किलोमीटर की यात्रा रोज पूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 11 के बजाय 6 से 7 दिन में ही यात्रा पूरी कर ली जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के जेल में बंद कुछ महिला कैदियों के गर्भवती होने के मुद्दे पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। मामले की जांच के लिए सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई में पार्टी नेता की हत्या के मद्देनजर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को धमकी भरा पत्र मिला है। उनके दफ्तर ने जानकारी दी कि छगन भुजबल को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। भुजबल के समर्थकों ने उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। पुणे में पत्रकार निखिल वाघरे की कार पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया, जब वह एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। मनोज जरांग के महाराष्ट्र सरकार को 10 फरवरी से फिर से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने बैंकिंग यूनिट पर छाए संकट के बीच अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रीब्रांडिंग के लिए है। इस रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई कॉमर्स को पाई प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स को अब इसी का नाम व पहचान से जाना जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क जल्द ही फोन नंबर से छुटकारा पाने वाले हैं। उन्होंने खुद अपना फोन नंबर बंद करने का ऐलान किया है। मस्क ने बताया है कि अब वे बिना फोन नंबर के ही लोगों के साथ बात करेंगे। वह अब एक्स के माध्यम से ही लोगों को मैसेज या कॉल करेंगे। रिलायंस रिटेल की FMCG कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पान पसंद और टूटी फ्रूटी बेचने वाली कंपनी को खरीदी जा रही है। रिलायंस रिटेल की मैनेजिंग डायरेक्टर ईशा अंबानी है, वही इस रिटेल कारोबार को संभाल रही है। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। एक नए चेहरे को टीम में मौका मिला है, वही KL राउत और रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोली चलने की खबर है। RPSF आरक्षक दिनेश चंद्र की बंदूक से सारनाथ एक्सप्रेस से उतरते वक्त एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है। हादसे में आरक्षक के सीने पर गोली लगी, जिसके इलाज के दौरान रामकृष्ण केयर अस्पताल में मौत हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है। मिली जानकारी के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें तुरंत कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए इनबिजनेस न्यूज़। नमस्कार।